सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवुड। तो मैं मंदीवान अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो है टेकवुड टेक्निकल नंबर 28। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे टिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो खबर है वो है सैमसंग की ओर से, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के बारे में। तो ये लिस्ट हो गया है इसके वेबसाइट पे, जो कंपनी की वेबसाइट है, सैमसंग की वेबसाइट है, उस पर लिस्ट हो गया है जो लॉन्च होने से पहले ही। और देखते हैं ये कब तक लॉन्च होता है, अभी डेट तो नहीं आई हुई है और ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी डेट नहीं आई हुई है। अगली खबर है पेटीएम से रिलेटेड। तो प्ले स्टोर ने जो पेटीएम है इसको रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत काम किया है। इन्होंने ऐड कर दिया था, पेटीएम ने ऐड किया था ऐप में फैंटेसी क्रिकेट टूर्नामेंट। इसको मतलब ये पेटीएम ओपन करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देता था इनके जो फैंटेसी क्रिकेट टूर्नामेंट है उस पर। ये जैसे आप कह सकते हैं गैम्बलिंग टाइप का था, जुआ टाइप के था। इसमें आप लोग केवल पैसा लगा कर केवल हारना या जीतना दो ही काम हो सकते थे, तो इसको जोड़ा हुआ था। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं गूगल प्ले की उससे थोड़ी दूर हटके जा रही थी, अवॉइड कर रही थी, तो इसके कारण गूगल प्ले ने पेटीएम को ही गूगल प्ले से निकाल दिया। अगली खबर है वन प्लस के बारे में। तो वन प्लस एक नया कलर वेरिएंट को ऐड कर रहा है वन प्लस 7T में, जो कि है वाइट का वेरिएंट, और काफ़ी अच्छा है ये दिखने को। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये जो कलर वेरिएंट आया हुआ है 7T में। तो देखते हैं अगली खबर है वन प्लस बड्स जेड के बारे में, जो कि काफ़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ये लॉन्च होने वाला है वन प्लस 8T के साथ, और ये भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीपर होने वाला है वन प्लस का ये बड्स जो होने वाला है जेड। मतलब ये आपको 2 से 3 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। तो अगली खबर है मोटोरोला की ओर से। तो मोटो का मैंने बताया था आपको कि इंडिया में टीज कर दिया है E7, जो कि केवल बैक पैनल दिखाया हुआ था, नाम नहीं बताया हुआ था, बट अभी इसकी लॉन्च डेट आ गई है। ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हो गया है, इसकी जो लॉन्च डेट आई हुई है वो आई है 23 सितंबर को, और ये आता है 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ, और इसमें हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर। तो 23 सितंबर को ही एप्पल भी अपना लॉन्च करने वाला है एप्पल ऑनलाइन स्टोर। तो जैसे आपका रियलमी स्टोर है, शाओमी स्टोर है, एमआई स्टोर है, वैसे ही ये एप्पल का एप्पल ऑनलाइन स्टोर होने वाला है। जैसे कि अभी तक ऐसा होता था कि जो एप्पल का स्मार्टफोन या कोई प्रोडक्ट होता था तो वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता था, बट अब से ऐसा नहीं होने वाला है। अब से ये जो भी इंडिया में लॉन्च करेंगे तो ये केवल स्पेशल इंडिया के लिए 23 सितंबर को लॉन्च होगा। उसमें आप जब कुछ भी लॉन्च करेंगे तो ये अपने ऐप स्टोर के ऊपर ही करेंगे। अगली खबर है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी M01S और गैलेक्सी M31 इन दोनों पे ही जो वन UI है उसका 2.1 का अपडेट आ गया है विद सितंबर 2020 जो सिक्योरिटी बैच होता है उसके साथ। और जो गैलेक्सी M01S है वो अभी तक आपका एंड्रॉयड 9 के ऊपर था, जो इस अपडेट के साथ साथ आप एंड्रॉयड 10 का भी फ़ायदा उठा लेंगे उसमें। और जो सैमसंग का गैलेक्सी M31 है वो एंड्रॉयड 10 पे ही था और अभी भी इसके साथ एंड्रॉयड 10 पे ही रहेगा। तो अगली खबर है LG की ओर से। तो LG ने अपना Q31 इसको अपने कोरियन जो होम मार्केट है उसको उसमें लॉन्च किया हुआ है, और जो कि आता है हीलियो के P22 प्रोसेसर के साथ और 3000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और इसकी प्राइस आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है वहां पर, और जिसको अगर चेंज करते हैं इंडियन प्राइस में तो आपको 13-14 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे ये देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेकार स्मार्टफोन है इस टाइम में। अगली खबर है मोटोरोला की ओर से। तो मोटोरोला का रेजर 2090 जो आया हुआ था 2090 में, तो ये आपको इसमें काफ़ी भारी छूट देखने को मिल रही है, और जो कि आपको 5 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। इस पर आपका 30,000 तक की छूट आपको अभी देखने को मिल रही है, और साथ साथ में आपका 10,000 की जो डिस्काउंट आपको HDFC यूज़र्स के लिए देखने को मिलता है, और जिसके साथ साथ इसकी प्राइस जो अगर आप 30,000 को मतलब 30,000 जो
प्राइस कट हुई है उससे लेते हैं। तो पहले इसकी जो प्राइस आई हुई थी जब लॉन्च हुआ था तो 1,24,999 थी और अब आपको देखने को मिलता है 94,999 रुपए। अगली खबर है शाओमी की ओर से, तो शाओमी का एक न्यू इवेंट होने वाला है जो कि है स्मार्ट एंड लिविंग 2021। तो ये इवेंट होने वाला है 29 सितंबर को और बताया जा रहा है कि इसमें ये अपना एक MI वॉच रिवॉल्व जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगली खबर है मार्क्यू से रिलेटेड, तो जो कि है फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांड है तो इससे रिलेटेड है। तो इसने अपने एक नई टीवी को लॉन्च किया हुआ है जो कि आपको देखने को 32 इंच देखने को मिलता है आपको 12,000 रुपए में। और साथ साथ में इसने होम एक स्मार्ट होम स्पीकर को भी लॉन्च किया हुआ है जिसको आपको देख सकते हैं 3,500 की प्राइस में जो कि इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अगली खबर है गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए, तो इन जो स्मार्टफोन है गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन उन पे जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट होने वाला है वो रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका है, तो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग गूगल पिक्सल का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप लोग अपने अपने स्मार्टफोन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आप में कोई एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट आया है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को जितना आपसे हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।